अलार्म? घबराओ मत, सब कुछ नियंत्रण में है। मैं थोड़ी देर के लिए बुनाई छोड़ दूंगी, दादी बचाव के लिए आ रही है। अलार्म? कितने गलत समय पर, मेरे पास टावर खत्म करने का समय भी नहीं। ठीक है, मैं बाद में इस पर वापस आऊंगा, अब अन्य महत्वपूर्ण काम करने हैं। मैं आ रहा हूँ। अलार्म? इसकी उम्मीद नहीं थी। मैं अपना केक बाद में खत्म करूंगी या मैं एक नया बेक करूंगी, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। वे मेरा इंतजार कर रहे हैं। जल्दी करो, कोई मदद करो, मुझे तुरंत मदद की जरूरत है। जेस, रो मत, दादी यहाँ है, मुझे भूख लगी है। काश मैं अभी कुछ स्वादिष्ट खा पाती। यह पास्ता मेरे लिए एकदम सही नाश्ता रहेगा। यह मेरा सिग्नेचर डिश है, यह आसान होगा। पास्ता? मुझे नहीं पता कि इसे कैसे पकाना है। सबसे पहले तुम्हें स्पैगेटी पकाने की जरूरत है। ठीक है, मैं बस दूसरों के बाद दोहराऊंगा, कुछ तो काम करेगा। मुझे शायद रस्सी की जरूरत नहीं होगी। और अब इसे उबलते पानी में डाल सकते हैं। ओ नहीं, यह किसी भी तरह से फिट नहीं हो रहा है बर्तन में, इसे तोड़ना होगा। दादी को देखो टेडी, वो जानती है कि इसे कैसे पकाना है। हम स्पैगेटी को पानी में डालते हैं और तब तक इंतजार करें जब तक ये गर्म ना हो जाए। और वाला, आसानी से सॉस पैन में सब कुछ फिट कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही निकला। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? ये पास्ता की तरह बिल्कुल नहीं दिख रहा। प्रोफेशनल अलग तरह से खाना बनाते हैं। तुम्हें मुझसे बहुत कुछ सीखना है। केट, तुम हमें अपनी चाल से सरप्राइज नहीं कर सकती। हम उस बारे में देखेंगे। हमें असली पास्ता खुद पकाने की जरूरत है, एकदम शुरुआत से। इसके लिए मुझे आटा और अंडे चाहिए। और अब हम सब कुछ ठीक से मिलाते हैं। मुझे यह पसंद है, यह बहुत रिलैक्सिंग है। बस इतना ही, आटा तैयार है, इसे रोल करने का समय है। इसमें थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं यह कर सकती हूँ। मेरा पास्ता तैयार है, इसे उबालने का समय है। अधिकांश काम पहले ही हो चुका है, अब मैं झींगा को तैयार करूंगी। मुझे यकीन है जेस को यह पसंद आएगा। बेलिसिमो। पास्ता में सबसे स्वादिष्ट होता है यह चीज। तुम क्या कर रहे हो टेक? पास्ता निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, वे अटक गए हैं। ओह नहीं, यह किसी भी तरह से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, इस विचार को छोड़ने का समय है, मुझे दूसरा विकल्प तलाशना होगा। मेरे पास एक आइडिया है, इसकी जगह मैं गम ले लूंगा। चलो कल्पना करें कि मीठा पास्ता है, मैं इसे चॉकलेट सॉस से सजाऊंगा। सुपर, मैं खुद इस स्वादिष्ट डिश को खाना चाहूंगा। तो चलो देखते हैं हमारे पास यहाँ क्या है। ओह झींगा, मैं इसे खाना चाहूंगी, ये स्वादिष्ट लग रहा है, इससे अच्छी खुशबू आ रही है। यह अच्छा है पर कोई खास नहीं। ओह यह बहुत चीज है, मुझे वह पसंद है, लेकिन पास्ता एक साथ चिपक गया है। हालांकि इसके अपने फायदा है, आप तुरंत सब कुछ अपने मुंह में डाल सकते हैं। वाह यह गम है, कूल। मैं सुबह से शाम तक इस स्वादिष्ट डिश को खाने के लिए तैयार हूँ, विजेता स्पष्ट है। और यह मीठा पास्ता डिश है। वाह मैंने ये किया। मैं अगले डिश के लिए तैयार हूँ। थोड़ा धैर्य रखो टेड, अगली डिश पहले से ही तस्वीर में है। हॉट डॉग, यह आसान है। अरे तुम क्या कर रहे हो, क्या सॉसेस को तला जाना चाहिए? मुझे लगा कि उन्हें ऐसे ही खाया जा सकता है। टेड तुम बहुत बुद्धू हो, हम कच्चे सॉसेस को नहीं खा सकते हैं। ऐसा लगता है कि मुझे नए नियमों से भी खेलना होगा। मैं यह तेल ले लेता हूँ अगर तुम्हें आपत्ति नहीं हो। और यह यहाँ क्यों है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। बस पैन में सारा तेल डाला और आपका काम हो गया। और अब मैं इसे फुल स्पीड में चालू करता हूँ। डर है कि मुझे इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। खैर तेल गर्म हो गया, तलने का समय है। ऐसा मत करो टेड। ओह यह क्या हो रहा है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? यह लो। ओह बस हो गया, मुझे फ्राइंग पैन से छुटकारा मिला, ये तो मेरी जान ही ले लेता। ओह ठीक है, सब ठीक है। अगली बार कुछ करने से पहले पूछ जरूर लेना। ओह क्या खुशबू है। ओह बिल्कुल सही भुना हुआ।
इस सॉसेस को सीधे बन में भेजने का समय आ गया है। अब इसमें मस्टर्ड डालना ही बचा है और यह तैयार हो गया। ओह कितना तीखा है, बस यही चाहिए। यह बिल्कुल सही लग रहा है। टेड क्या चल रहा है? मैंने गैस बर्नर के साथ सॉसेस तलने का फैसला किया है। मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, है ना? ओह कितना दिखावा करता है। तुम्हें किचन में जाने कौन देता है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। बस देखो और सीखो। सबसे पहले मैं आटा तैयार करूंगी। यह सब कुछ एकदम आसान है। आटा, अंडे और दूध, और इन सबको अच्छे से मिलाना है। सुपर, ऐसा ही मुझे चाहिए। अब मैं एक स्क्वीवर पर सॉसेज और चीज को लगाती हूँ। एकदम सही, मुझे पहले से ही ये पसंद है। मैं एक छोटे सॉस पैन में डीप फ्राइंग तेल डालूंगी और इसमें मैं अपने हॉट डॉग को फ्राई करूंगी। बहुत कम बचा है। मैं सॉसेज और चीज को आटे में डिप करूंगी और उन्हें चिप्स में रोल करती हूँ। इससे खस्ता क्रस्ट निकल आएगा। मैं इसे तेल में डुबोती हूँ और हॉट डॉग के तलने का इंतजार करती हूँ। तैयार, देखो और जलो। अंत में मैं सॉस जोड़ूंगी, केचप और मस्टर्ड। केट ये बहुत अच्छा दिख रहा है। अरे मैंने अभी तक नहीं किया है, मुझे और अधिक सॉस डालना होगा। अब यह बहुत अच्छा दिख रहा है। माफी चाहती हूँ लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। अब मुझे कुछ चुनना होगा। तो इस बार क्या है? यह किसी तरह की गड़बड़ है, यह घिनौना लग रहा है, लेकिन यह काफी अच्छा है। मुझे सच में इसका स्वाद पसंद आया। यह सामान्य है। डो अच्छा है पर फीलिंग काफी नहीं है। तीसरा विकल्प देखना बचा है। ओह क्या क्रस्ट है, मुझे ये पसंद है। इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। पहले नजर में यह अच्छा लग रहा है। दिव्य, यह सबसे अच्छी चीज है जो मैंने कभी खाई है। मुबारक हो। हुर्रे, जैस को मेरी डिश पसंद आई। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमें इतनी सब्जियां और फल क्यों चाहिए। यह आसान है टेड, तुम्हें एक स्मूदी बनानी होगी। आगे बढ़ो, इसके लिए मेज पर बहुत सारी चीजें हैं। मुझे यकीन है कि मैं सबसे अच्छी स्मूदी बनाऊंगी। हम उस बारे में देखेंगे। मैं पहले ही एक बार जीत चुका हूँ। यह सफलता दोहराने का समय है। मुझे यहाँ आने वाली सभी कैंडी की आवश्यकता होगी। जैस उनका विरोध नहीं कर पाएगी, तुम देखना। चॉकलेट बार, गमीज, कैंडीज, क्या इससे बेहतर कुछ हो सकता है? और अब मैं इसमें सोडा डालूंगा, एक असली मीठा बम होगा। हे, बटन कहाँ है? अब बस इन सबको आपस में मिलाना रह गया है। चलो चलते हैं। मुझे यकीन नहीं है कि इतनी सारी कैंडी खाना सुरक्षित है, पर दूसरी तरफ मैं कुछ अच्छा और पौष्टिक बनाऊंगी। इसके लिए मुझे सब्जियों की जरूरत होगी, ज्यादा से ज्यादा सब्जियाँ। कितना सुगंधित प्याज है, बस प्यारा। वाह खीरे इतने क्रंची है। ओह मैं टमाटर के बारे में लगभग भूल गई, वे मिठास देंगे। मैं ब्लेंडर में सब कुछ ठीक से दबा दूंगी। बढ़िया है। और अंत में मैं कुछ ग्रीन जोड़ूंगी। मेरा पौष्टिक स्मूदी लगभग तैयार है। बस एक घूंट और जैस खुश हो जाएगी, तुम देखना। कितना घिनौना। मुझे ऐसे ड्रिंक के स्वाद की कल्पना करने से भी डर लगता है। मुझे जैस पर दया आ रही है। मैं उसके लिए कुछ स्वादिष्ट बनाऊंगी। मैं एक तरबूज लूंगी, यह सब कुछ का आधार बन जाएगा। मैंने ऊपरी भाग काट दिया है और एक ब्लेंडर ले लिया है और इसे हाई स्पीड पर चालू कर दिया है। अब मैं इस तरबूज को एक कटोरे के रूप में उपयोग करूंगी और अब मैं इसमें कीवी और अन्य फल डालूंगी और अब इसमें नारियल का पानी डालूंगी। यह बहुत अच्छा है। अब बस इसमें स्ट्रॉ डालूंगी और तुम इसे पी सकती हो। क्या तुम्हें यह पसंद है? जैस हम सब तैयार है, अब तुम्हें अपनी पसंद बतानी है। मुझे स्मूदी दे दो। वहाँ हवे कितने अलग है, वे एक दूसरे की तरह बिल्कुल नहीं दिखते। पता नहीं इसमें यहाँ क्या है, ये बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, बल्कि मैं कहूँगी कि घिनौना। ये बहुत मीठा है, मुझे ये पसंद नहीं है। और ये सामान मुझे डरा रहा है, इसका रंग भी अच्छा नहीं लग रहा है, इसे तो चखने में भी डर लग रहा है। मैं तो बस उल्टी करने वाली थी। पर यह आखिरी वाला अच्छा लग रहा है, खासकर दूसरों की तुलना में। मैं इसे करीब से देखूंगी। वाह मेरा नाम यहाँ लिखा गया है, कितना प्यारा है। हाँ स्वाद ने मुझे निराश नहीं किया, बढ़िया। यह ड्रिंक जीत गया, मुझे और चाहिए। ओ मैं फिर से, वाह क्या यह बस सादा केक है? तुम बहुत स्मार्ट नहीं हो टेडी, इस बार यह सब ठीक है। मुझे एक केक चाहिए।
ठीक, एकदम आसान है। मैं अपने सिग्नेचर डिश के रेसिपी को अपनाऊंगी। पहला कदम फ्रॉस्टिंग तैयार करना है। मैं अंडे तोड़ती हूँ और केवल व्हाइट्स को छोड़ देती हूँ, हमें योग की जरूरत नहीं है। अब इसे अच्छे से मिलाकर फोम बनाऊंगी और मीठे के लिए थोड़ी चीनी डालूंगी। अब इसे थोड़ा और दिलचस्प करना है और इसके लिए मैं बिस्क का उपयोग करूंगी। अब यह एकदम सही लग रहा है, यह पूरी तरह से तैयार है। इसके साथ केक को कवर करने का समय है, यह पूरी तरह से फिट बैठता है। यह थोड़ा टेढ़ा निकला लेकिन यह भी और भी प्यारा है, मुझे यह पसंद है। अब मैं इस ऊपरी भाग पर पूरी तरह से क्रीम लगाऊंगी, नहीं तो यह अधूरा लगेगा। ओह यह कितना अच्छा लग रहा है। अब मैं इस पर थोड़ी स्प्रिंकल्स डालूंगी और आखिर में एकदम ताजा सुगंधित स्ट्रॉबेरी एकदम सीधे बगीचे से। वाह दादी, बुरा नहीं है, ये तुम्हारे लिए नहीं है टेड। ठीक है ठीक है, मैं अपने केक को तैयार करता हूँ, यह अच्छा रहेगा। गमी बेयर और चॉकलेट सॉस, इस कॉम्बिनेशन ने मुझे शुरुआत में ही जीतने में मदद की है और यह अब मेरी मदद करेगा। मैं एक और केक के साथ ऊपर से इसे कवर करूंगा और फिर बेरी सॉस डालूंगा। मुझे लगता है कि सुपर होगा और अब बाकी किसी भी कमी को यह कैंडी पूरा करेगी। अच्छा किया। और केक क्या करती है? केक फिर से कुछ अजीब कर रही है। जितना चाहो तुम हंस लो, चलो देखती हूँ जब मेरा डिजर्ट तैयार हो जाएगा तब तुम क्या करोगे। सबसे पहले मुझे कार्मेल बनाने की जरूरत है। मैं तुम्हें जल्दी एक ट्रिक दिखाऊंगी, मैं वादा करती हूँ तुम चकित होगे। मैं तैयार कार्मेल को पानी से भरे गुब्बारे पर डालूंगी और इसे ठंडा होने दूंगी। अब मैं इसे काट दूंगी। तैयार, डिजर्ट के लिए खाने योग्य कटोरा तैयार है। तुम्हें यह कैसा लगा? अब फनी नहीं ना? अब यहाँ स्पंज केक और व्हिप्ड क्रीम जोड़ूंगी। अपनी सादगी के बावजूद ये बहुत स्वादिष्ट होगा। देखो क्रीम कितनी स्वादिष्ट रूप से बह रही है, मैं शायद ही अपने आप को रोक सकती हूँ। रंग के लिए मैं स्ट्रॉबेरी टॉपिंग और स्प्रिंकल्स जोड़ूंगी। बस हो गया। वाह यह वास्तव में बहुत अच्छा है केक। हम देखेंगे कि कौन जीतता है। इतने सारे केक, मेरी आंखें भाग रही हैं। मैंने शुरू से ही इसी का सपना देखा था। पहले इस छोटे केक को खाती हूँ, ये बहुत प्यारा है लेकिन मेरी राय में बहुत अधिक क्रीम है। मैं अपने शब्दों को वापस लेती हूँ, ये एकदम सही है। पता नहीं ये बड़ा केक छोटे से टक्कर ले पाएगा या नहीं। वैसे वो मुझे कुछ याद दिला रहा है। समझ गई, ये दादी का स्टाइल है। मुझे लगता है मैं लालची हो गई और बहुत बड़ा टुकड़ा ले लिया, लेकिन ये इसके लायक है, स्वादिष्ट। मेरे पास प्रशंसा के लिए कोई शब्द नहीं है, मुझे इसे तुरंत अपने मुँह में डालने की जरूरत है। खैर चलो आखिरी केक पर उतरे, वो पहले से ही मेरा इंतजार कर रहा है। ऊपर कैंडी, यह ओरिजिनल है। वाह और यह काम करता है, यह स्वादिष्ट है। मुझे नहीं पता कि क्या चुनना है, सभी केक अपने तरीके से अच्छा है, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे दादी का केक पसंद आया। मुझे पता था, धन्यवाद मेरी बच्ची, बधाई हो। मेरे पास तुम्हारे लिए एकदम आसान काम है, मेरे लिए फ्राइड एग बनाओ। यह कोई मुश्किल नहीं है, एकदम आसान, मैं इसे शानदार बनाऊंगा। हे दादी, सो मत, चुनौती शुरू हो चुकी है। हमें फ्राइड अंडे बनाने हैं। फ्राइड अंडे, अच्छा ठीक है मेरी पोती, तो यह शुरू करने का समय है। मैरी मुझे भी तेल चाहिए। हाँ बिल्कुल, बिना तेल के कैसा फ्राइड एग। ओह यह निकल क्यों नहीं रहा है, बेकार बोतल। मुझे इतने तेल की जरूरत नहीं थी। हेड, अब हमें एक अंडा लेना है जिसे एक फ्राइंग पैन में तोड़ा जाना चाहिए। यह बहुत आसान है। हाँ मैं मानता हूँ इससे आसान कुछ भी नहीं है। यह देखो, एक और। हाँ दोनों लगभग मिल गए, है ना? यह लोग किसी काम के नहीं है, मैं निश्चित रूप से उन्हें हरा सकती हूँ। खाना बनाना मेरे खून में है। फ्राइड अंडे बनाना बहुत आसान है, पर मैं कुछ और मजेदार करूंगी। सबसे पहले मैं इसके सफेद और पीले भाग को अलग करने जा रही हूँ। फिर मैं इसके सफेद भाग को अच्छे से मिलाऊंगी जब तक यह झाग की तरह बन जाएगा। वह ऐसा क्यों कर रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। यह बहुत अच्छा निकला।
अब इसके पीले भाग को मिलाते हैं। और इसे सीधे पैन में डालते हैं। यह रहा। यह कुछ अजीब तरह का फ्राइड एग है। अंडे को अलग करना क्यों जरूरी था? क्योंकि इस तरह से अंडा थोड़ा फैंसी बन गया। जरा देखो मेरी डिश कितनी अच्छी लग रही है। बहुत। पर मुझे लगता है कि अंडे को स्वादिष्ट बनाने के लिए साधारण नमक और थोड़ी काली मिर्च मिलानी चाहिए। देख क्या हो रहा है। ओह कितना गर्म। ये ऐसा क्यों हो रहा है? मैं क्या करूं? बचाओ, मुझे लगता है ये अंडा मेरी जान लेना चाहता है। शायद इसलिए कि तुम्हें स्टोव बहुत देर पहले बंद कर देना चाहिए। तुमने पूरा जला दिया। ओह नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। या फिर शायद मैं इसका स्वाद व्हिप्ड क्रीम के साथ बढ़ा सकता हूँ। व्हिप्ड क्रीम हर चीज के साथ अच्छे से जाता है ना? ठीक है, अब मैं तैयार हूँ। मेरे पास भी सब कुछ तैयार है। वाह मैरी, तुमने कुछ बहुत ही अलग सा बनाया है। अगर मैं इसे छूं तो तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं होगी? अरे हाथ हटाओ, यह एक खास व्यंजन है। तो केट, अब चुनाव तुम्हारा है। मैं यह भी नहीं जानती कि कहां से शुरू करूं। यह काले तले हुए अंडे पर सफेद क्रीम के साथ क्या है? मैं इसे ठीक से काट भी नहीं पा रही हूँ। लेकिन बीच में से तले हुए अंडे बहुत अच्छे और स्वादिष्ट लग रहे हैं। अब बस इसे चखना बाकी है। स्वादिष्ट, जैसा मुझे चाहिए था यह बिल्कुल वैसा ही है। पता नहीं यह किस तरह की डिश है। बहुत अजीब लग रहा है। इसका स्वाद बहुत अच्छा है, लेकिन मैं अभी भी सबसे साधारण लेकिन फिर भी बहुत स्वादिष्ट फ्राइड अंडे पसंद करती हूँ। दादी तुम जीत गई। तुम कितनी अच्छी हो। दादी जीत गई। हाँ हाँ, दादी ने सबको हरा दिया। इस दौर में तुम सबको मेरे लिए एक स्वादिष्ट बर्गर बनाना होगा। फिर से आसान। और मुझे बर्गर के बारे में कुछ समझ नहीं आता। मुझे बर्गर पसंद है, मैं तो इसे खुद ही खा जाऊंगा। अब इसे बनाने का समय शुरू हो गया है। ये समय है मेरी जीत की तैयारी का। हे रुको, ये मेरा टमाटर है, तुम इसे ऐसे नहीं ले सकती। मेरी पोती केवल स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि पौष्टिक बर्गर खाएगी। टमाटर, प्याज, खीरा, लेकिन मुझे निश्चित रूप से कटलेट की जरूरत नहीं होगी। क्या तुम जानते हो कि ये कितना हानिकारक है? तुमसे ज्यादा हानिकारक कोई नहीं है। महत्व रखता है प्यार से खाना बनाना। तब मेरा हेल्दी बर्गर न केवल स्वस्थ होगा बल्कि स्वादिष्ट भी होगा। इसे कहते हैं हेल्दी खाना। कोई जंक फूड नहीं। मैदान में बकरियां भी इतनी घास खाने को तैयार नहीं है। और आप इसे अपनी पोती को देने जा रही हैं? बिना कटलेट के बर्गर क्या? यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है। लेकिन आपको चीज और सॉस के बारे में भी नहीं भूलना चाहिए। मेरे मुंह में पहले से ही पानी आ रहा है। बेकार प्याज। किसने सोचा कि इसे बर्गर में डाला जाना चाहिए? ओह अब छोड़ो भी, मैं कुछ भी नहीं पकाने जा रहा हूँ। परेशान मत हो, लो ये चॉकलेट खाओ। एक चॉकलेट बार? बिल्कुल, ये एक अच्छा आइडिया है। एक साधारण बर्गर क्यों बनाया जाए जब आप इसे मीठा और चॉकलेटी बना सकते हैं? यह बहुत अच्छा बनने जा रहा है। बस थोड़ा और चॉकलेट डालना रह गया है। वाह, यह अब तक का सबसे अच्छा बर्गर होगा जो आपने कभी देखा होगा। और बर्गर को स्वादिष्ट लुक देने के लिए केक पर चेरी चॉकलेट सिरप है। इससे मेरा बर्गर शानदार दिखेगा।
वाह, मैंने पहले कभी चॉकलेट बर्गर नहीं देखा है। मुझे लगता है बहुत स्वादिष्ट होगा। यह कमाल का है। देखते हैं हमारे पास आगे क्या है। हे, कटलेट कहाँ है? क्या मैं खेत में कोई बकरी हूँ? इसका स्वाद भी बहुत ज्यादा हेल्दी है। इस बर्गर से मेरा मूड कुछ उतना अच्छा नहीं हुआ। एक तीसरा दावेदार बचा है। यह बर्गर ज्यादा अच्छा लग रहा है। स्वादिष्ट, लंच के लिए एकदम सही चीज। लेकिन कौन सा बर्गर चुनूं? मीठा या संतोषजनक? शायद मीठा। नहीं, आखिर मुझे मीठा ज्यादा पसंद है। और यह एकदम ओरिजिनल है। ये, मैं जीत गया। इस बार हम क्या पकाने जा रहे हैं? मुझे पैनकेक्स चाहिए। मुझे उन्हें खाए हुए काफी समय हो गया है। मैं तुम्हें दिखाती हूँ। तुम्हें मुझसे अच्छी टक्कर मिलेगी। लेकिन मुझे नहीं पता कि उन्हें कैसे पकाना है। क्या करूँ? तो फिर चलो शुरू करते हैं। मेरा एकमात्र यह देखने का मौका है कि दूसरे कैसे खाना बना रहे। जाहिर है मुझे दूध से शुरुआत करनी होगी। यह अंडे का समय है। और अब इसमें मैदा मिलाने की जरूरत है। और सब कुछ अच्छी तरह से हिलाना है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि अगर तुम कहीं अब भूल जाती हो तो। बच्चे, मैं तुम्हारी दादी हूँ। मैं कुछ नहीं भूलती। और मुझे तुम्हारे इन बिजली के उपकरण की जरूरत नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए? जाहिर है मेरे पास यह फोक ही बचा है। यह बेकार सा पॉरिज लग रहा है। टेड, देखो और सीखो। दादी माँ के पैनकेक सबसे स्वादिष्ट हैं। कितना सुंदर। मुझे लगता है कि बहुत स्वादिष्ट होगा। मैरी, तुम क्या कर रही हो? मैं चाहता हूँ कि मेरे पैनकेक्स भी अच्छे दिखे। यदि वे रंगीन होंगे तो वे बहुत अधिक अच्छे लगेंगे। मैं तुम्हें निराश करने की जल्दी में हूँ दादी। तुम पहले ही हार चुकी हो। और अगर मैं पैनकेक्स को किसी अलग तरीके से बनाऊं तो ना। मैं जीनियस। मैं क्या करूं? मेरे पास कुछ भी तैयार नहीं है। अगर मैं इस सारे बैटर को इस फ्राइंग पैन में डाल दूं तो क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? केट, देखो ये कितनी खूबसूरत है। अच्छा होगा तुम मेरे पैनकेक को ट्राई करो। ये ज्यादा स्वादिष्ट होगा। ये जल रहा है। छी, क्या महक रहा है। मेरा भी हो गया। सभी पैनकेक्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। लेकिन पहले मैं इस बीच वाले को खाना चाहूंगी। ये लड़की बिल्कुल मेरी तरह लग रही है। मैंने पैनकेक पर अपना चित्र पहले कभी नहीं देखा। और पैनकेक का स्वाद बस कमाल का है। और यह जली हुई गांठ खाने में बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं लगेगा। शायद मैं इसे खाऊं भी नहीं। नहीं, अब बस ये तीसरी प्लेट का पैनकेक ही खाने के लिए बचा हुआ है। स्वादिष्ट। ये निश्चित रूप से सबसे स्वादिष्ट पैनकेक्स हैं। दादी, तुम जीत गई। हुर्रे, मैं जानती थी। उप्स, माफ करना। मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ। अब तुम यह लो और यह तुम लो। खाना पकाने का समय है। मुझे सरप्राइज करो। इतने सारे इंग्रेडिएंट्स और हम क्या पका रहे हैं? अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी। आज मुझे एक बड़ा सुंदर केक चाहिए। मैं वेट कर रही हूँ, मुझे खुश करो। केक, कितना कूल। यह बहुत आसान है। क्या तुमने केक कहा? फिर मुझे आटा चाहिए।
मैं इसे और सुविधाजनक बनाने के लिए इसे गहरी डिश में लूंगी। फिर मैं थोड़ा दूध मिलाऊंगी। केक की रेसिपी मेरे सिर में है। मुझे सभी आवश्यक सामग्री पूरी तरह से याद है। कोई भी विस्क इस केक को प्यार से पोषण नहीं दे सकता है, केवल दादी के हाथ। इसलिए मैं हमेशा हाथ से आटा गूंथती हूँ। ये महत्वपूर्ण है। क्या समय की बर्बादी है। हमेशा एक आसान विकल्प होता है। केक की तैयार परतें पहले से ही मुझे बहुत समय बचाएंगी। यह क्या है? मैं इसे देखना नहीं चाहती। मेरा केक सबसे अच्छा होगा क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल हूँ। मैं आटा में कुछ रंग जोड़ूंगी। यह एक उज्जवल लड़की के लिए उज्जवल केक होगा। यह बहुत अच्छी तरह से निकला है। इसे करने का यही तरीका है। जैसा मैं चाहती हूँ वैसा ही करूँगी। तो मैं पीनट बटर जोड़ूंगी। और बेहतर, मुझे पीनट बटर बहुत पसंद है। ये बहुत स्वादिष्ट है। अब अगली लेयर। और जैसे सिर्फ अपनी उंगलियां चाटेंगी, मैं कम से कम इसे अब खुद खाऊंगी। ये बहुत स्वादिष्ट है। बस करो, तुम अपनी बहन के लिए केक बना रही हो। और मैं स्ट्रॉबेरी जैम डालूंगी, जिसे मैंने खुद तैयार किया है। वह निश्चित रूप से इसे पसंद करेगी। बस जार खोलना है। इस जैम की सुगंध स्वादिष्ट है। मैं पूरा जार डाल दूंगी। इसे बेहतर करना मुश्किल होगा। मेरे पास सबसे अच्छा पाई होगा। आवश्यक डिटेल्स जोड़ूंगी, कुछ स्ट्राइप्स लगाऊंगी। जब यह सब भूरा हो जाएगा तो पाई तैयार हो जाएगा। वाह, यह बहुत बड़ा है। एक महत्वपूर्ण डिटेल, अब हमें सावधानी से क्रीम लगाना होगा। मैं पेस्ट्री बैग के साथ ऐसे लेयर्स बनाती हूँ। केक इतना उज्जवल और सुंदर निकला। अब अगला स्टेप, इसे सावधानी से करना बहुत जरूरी है ताकि केक उतना ही सुंदर बना रहे। मुझे लगता है कि क्रीम के साथ सब कुछ तैयार है। आखिरी स्टेप सजावट है। मैं एक सजावट बनाना चाहती हूँ जो इस केक में पूरी तरह से मेल खाएगी। यह उतना ही रंगीन होगा जितना वह है। यह सब सेट है। परफेक्ट इंद्रधनुष। मैं उसे सबसे ऊपर रखूंगी। बिल्कुल सही। मैं केक को रंगीन चॉकलेट से सजाऊंगी। मैं तारे लगाऊंगी, उन्हें यहाँ रखूंगी। ये बहुत अच्छा निकला। अब सिर्फ इंद्रधनुष में बादलों को जोड़ना बचा है और मेरा केक एकदम सही है। अरे, दादी कहाँ गई? क्या कहाँ कौन? ओह हाँ, मेरी पाई। कितनी अच्छी सुगंध है। बस एक अद्भुत पाई बना है। मुझे भी यह केक चाहिए। मेरा इतना बुरा लग रहा है। दादी भी मुझसे बेहतर है। मेरे पास एक आइडिया है। रंग जोड़ने के लिए मुझे रंगीन कैंडीज चाहिए, तो यह बहुत सुंदर हो जाएगा। जैसा मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा अच्छा। तुम्हारे लिए अच्छा है केक। तुम लोगों का मेरे साथ कोई तुलना नहीं है। ओ, बुरा नहीं है, ये बहुत प्यारा है। चलो उसके साथ शुरू करते हैं। अब मैं स्वादिष्ट केक खाने जा रही हूँ। हम ध्यान से और सावधानी से काटते हैं। यह हुई ना बात, मैं कितनी अच्छी हूँ। वाह, कितना मीठा है। ये मेरे मुंह में पिघल जा रहा है। कमाल है। मैं हर आखिरी टुकड़ा खा लेना चाहती हूँ। मैं एक बादल को भी खाना चाहती हूँ। ये सच में बहुत स्वादिष्ट है। चलो अब अगले केक की बारी है। वाह, ये कितना सुंदर लग रहा है। मैं एक पीस खाकर देखती हूँ। कितना सुंदर और मीठा रसदार। बेरी का स्वाद सिर्फ अविश्वसनीय है। मैं इसे खाना चाहती हूँ और खाते रहना चाहती हूँ। लेकिन यह, मैं कैंडी खा सकती हूँ। मुझे उम्मीद है कि यह स्वादिष्ट है। चलो खाकर देखती हूँ। स्वादिष्ट है। चलो और खाती हूँ। यह मुंह में बहुत चिपचिपा हो रहा है। मुझे कुछ पीना पड़ेगा। अब बेहतर है। मैं अब और इसे नहीं खाना चाहती। अच्छा, अब मुझे चुनना होगा। जाहिर है इंद्रधनुष केक सबसे स्वादिष्ट है। किसका? मेरा। ओह चलो, तुम मेरी चापलूसी करो। अगली बार जीत मेरी होगी, तुम देखोगी। मैं क्या खाना चाहती हूँ। हाँ, मैं समझ गई। मुझे वॉफल चाहिए, क्रीम और स्ट्रॉबेरी के साथ स्वादिष्ट घर का बना वॉफल। वॉफल, दादी बेटी आटा गूंदने के लिए तैयार है। साधारण घर का बना वॉफल, कोई बात नहीं, मैं तैयार हूँ। नॉम नॉम,
क्या हुआ, हम खाने की चुनौती में हैं, है ना? हाँ, लेकिन हमें बेबी एमा को खिलाने की जरूरत है, तुम्हें नहीं सूजी। मेरी प्यारी एमा वफल मांग रही है और दादी उन्हें अभी पकाएगी। मैं आटा गूंथूंगी, मैं और आटा डालूंगी, फिर मैं अंडा तोड़ूंगी, बहुत सारी चीनी और सबसे ताजा दूध, और अब मैं एक विस्क के साथ सब कुछ ठीक से मिला दूंगी। आटा अच्छी तरह मिलाया जाना चाहिए ताकि कोई गांठ ना हो। तुम क्या देख रही हो रोज? आपका डो बहुत गाढ़ा है, लेकिन मेरा एकदम सही है। इसे प्लेटों में आसानी से डाला जा सकता है। प्रत्येक में फूड कलरिंग की एक बूंद डाले और डो तैयार कर ले। इस तरह से हमारे पास मल्टी कलर डो तैयार हो जाएगा, जिससे मैं रेनबो वफल बनाऊंगी। ये सबसे अच्छे वफल होंगे। ओह, वे पहले ही बैटर तैयार कर चुके हैं, मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। मैं न्यूटेला बैटर बनाऊंगी। आटा और दूध सीधे जार में डालूंगी और चॉकलेट बैटर तैयार करूंगी। बैटर तैयार है और अब इसे वफल मेकर में डाल सकते हैं। एक सुंदर भूरा वफल बाहर आ जाएगा। वाह, वहाँ शेफ क्या कर रही है? वह कुछ दिलचस्प लेकर। मैं एक वफल मेकर में मल्टी कलर्ड बैटर की लेयर्स डालूंगी, सावधानी से ताकि रंग आपस में ना मिले। मुझे दिल के आकार में इंद्रधनुष वफल मिलेगा, सुंदर और स्वादिष्ट। किसी भी डिश को प्रेजेंट किया जाए यह मायने रखता है। मैं रंगीन वफल को स्टिक में लगाऊंगी और उसके टिप को चॉकलेट में डुबोऊंगी और फिर रंगीन स्प्रिंकल्स में, और फिर इसे प्लेट में खूबसूरती से रख दूंगी और बस स्वादिष्ट और सुंदर वफल तैयार है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? हाँ, शायद दादी ने इतनी खूबसूरत वफल नहीं बनाई है, लेकिन दादी जानती है कि उसमें क्या डालना है। हमें वफल के ऊपर मैपल सिरप को अच्छी तरह से डालना होगा, फिर चॉकलेट सॉस का एक जाल बनाए, ऊपर से पीसी चीनी छिड़के और स्ट्रॉबेरी डाले, और अब सही वफल तैयार है। मेरा अभी भी सबसे अच्छा है। ओह, और मुझे वफल को किसके साथ सजाना चाहिए? हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। स्किटल्स कैंडीज के साथ वफल सजाऊंगी तो वे भी रंगीन हो जाएंगे और बहुत स्वादिष्ट। तो अब सब कुछ तैयार है, अब डिश को खाया जा सकता है। मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? मैं इन वफल को खाती हूँ, ये बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं, और इसमें स्ट्रॉबेरी भी है जैसा मैं चाहती थी। यह मुँह में आते ही घुल जा रहा है, बस उंगलियाँ चाट कर खाने लायक। अब आगे कौन सा खाऊं? ये रेनबो दिल अलग से लग रहे हैं। मैंने पहले कभी ऐसे वफल नहीं देखे हैं। मैं एक बार में दोनों वफल को खाऊंगी। मुझे यह बहुत पसंद आया। वाह, यह वफल कितना अच्छा लग रहा है, मैं यह खाऊंगी। बाइट लेना आसान नहीं था, लेकिन स्वाद अद्भुत है। क्या यह न्यूटेला वफल है? मुझे वास्तव में यह पसंद है। मुझे किसे चुनना चाहिए यह तय करना बहुत कठिन है, सभी वफल बहुत स्वादिष्ट है। मुझे लगता है कि मैं सब कुछ खाऊंगी। ओह एमा, क्या तुम्हें मेरी वफल पसंद आई? दादी, मुझे सब पसंद आया। ओह, लगता है मैंने बहुत खा लिया, मुझे बचाओ। हमने उसे ज्यादा खिला दिया। सभी प्रतियोगियों को बधाई, यह राउंड ड्रॉ हो गया। और अब मैं चाहती हूँ मार्शमेलो के साथ कोको। अरे जागो कोको। हाँ छोटी बहन, मुझे पता है कि तुम्हें क्या पसंद है। कोको कुछ भी मुश्किल नहीं है, मैं सब कुछ जल्दी तैयार कर दूंगी। मुझे कोको बहुत पसंद है। अरे दादी जागो, मैं सबको खिलाऊंगी। गुड मॉर्निंग दादी, उठो। अरे जागो दादी। क्या मेरी पोती कोको चाहती है? अब दादी इसे तैयार करेगी, मेरी बच्ची दूध पिएगी। और अब चलो कुछ न्यूटेला लेते हैं, लेकिन पहले दादी खुद इसे चखेगी। कितना स्वादिष्ट है। मैं और पेस्ट निकालूंगी और इसे गर्म दूध में मिलाऊंगी। अब हमें सब कुछ अच्छी तरह मिलाना है। यह उबल रहा है, क्या तुम्हें कुछ अच्छी खुशबू महसूस हो रही है? कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, मैं भी करूंगी। केवल किसी कारण से यह खुल नहीं रहा है। मैं पूरी भींग गई हूँ। मुख्य बात यह है कि अभी भी दूध बचा है और मैं अपनी बहन के लिए कोको बना सकती हूँ, और इसमें मैं अब थोड़ी चॉकलेट डालूंगी। इस तरह से मैं इसे लाइन में रखूंगी।
और तुम छोटे चॉकलेट, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें भी पकाऊंगी। बस सभी को नीचे तक भेजना है। सूजी, तुम क्या कर रही हो? ठीक है, मैं एक शानदार डेजर्ट तैयार करूंगी, एक चॉकलेट बॉम्ब। स्वादिष्ट। सॉस को आधे गोल शेप में सांचों में डालें। फिर मैं इसे मोल्ड के किनारों पर चम्मच से समान रूप से फैला दूंगी। मैं उन्हें ठंडा करने के लिए रखूंगी और थोड़ी देर बाद मुझे आधे गोले मिलेंगे। अब बस उन्हें भरना और जोड़ना ही बाकी रह गया है। मैं फिलिंग के रूप में कोको पाउडर का उपयोग करूंगी। मैं प्रत्येक आधे में एक चम्मच कोको डालूंगी। फिर मैं मुट्ठी भर मार्शमेलो लूंगी और उन्हें कोको पर ऊपर से रखूंगी। अब दूसरे गोले से इसे कवर करना बचा है और बॉम तैयार है। फाइनल टच, मैं बॉम पर चॉकलेट सॉस डालूंगी और थोड़े से नारियल के बुरादे भी। बहुत सुंदर। बमों को एक ग्लास गर्म दूध के साथ परोसा जाना चाहिए। कितना बढ़िया मास्टरपीस। तुम क्या बना रही हो? ओह, कोई बड़ी बात नहीं है, दादी ने भी कुछ बुरा नहीं किया है। मैं एक कप में कोको डालूंगी और ऊपर से मार्शमेलो डालूंगी। यह गर्म कोको में पिघल जाएगा। क्या खुशबू है। और बेशक मैं ओरियो चॉकलेट कुकीज जोड़ूंगी। आखिरकार मेरी पोती को चॉकलेट कुकीज के साथ कोको पीना पसंद है। क्या ऐसे ड्रिंक सर्व किए जाते हैं? ओह, कितना भयानक। बचाओ, आग। ओह, इसे बुझा। ओह, ये एक नुस्खा है, मैंने अभी इसका आविष्कार किया है। यहाँ सब कुछ तैयार है, तुम इसे ट्राई कर सकती हो। उसे चूल्हे के पास नहीं जाने दिया जा सकता। हुरे, आखिरकार मैं इसे ट्राई कर सकती हूँ। यह क्या है? कुछ जले हुए की तरह बदबू आ रही है। मैं एक टुकड़ा ट्राई करती हूँ। आह, यह भयानक स्वाद का है, इसे बाहर फेंक देना चाहिए। अब मुझे कौन सा ट्राई करना चाहिए? मेरा फेवरेट ओरियोस। दादी जानती है कि मुझे ओरियो कुकीज के साथ कोको पीना पसंद है। कुकीज को कोको में भिंगो सकते हैं। यह नरम हो जाएगा और मुंह में पिघल जाएगा। बहुत स्वादिष्ट। कोको का स्वाद भी अद्भुत है। दादी, आपने अच्छा किया, आपने बिल्कुल वैसा बनाया जैसा मुझे पसंद है। कैसा अजीब चॉकलेट बॉल है, मैंने अभी तक ये ट्राई नहीं किया है। शायद मुझे उस पर दूध डालना होगा। वाह, वह पिघल रहा है और इसके अंदर मार्शमेलो है। वाह, मैं इसका स्वाद लूंगी। बहुत स्वादिष्ट, मुझे ये पसंद है। मैं इस ड्रिंक को चुनती हूँ। मैंने इसे बनाया, मैं जीत गई, मुझे पता था। इसमें ऐसी क्या बात है? उफ, वह कितनी खड़ूस है। ओ मेरी प्यारी पोती। और अब मैं खाना चाहती हूँ मैकडॉनल्ड जैसे फ्रेंच फ्राइज। वाह, मुझे पता है कि इसे कैसे पकाना है। हाँ, कुछ भी मुश्किल नहीं है। क्या? नहीं, यह सेहत के लिए अच्छा नहीं है, गाजर खाना बेहतर है। अब मैं अपनी पोती के लिए कुछ हेल्दी गाजर की छड़े पकाने जा रही हूँ। मैं गाजर को अच्छे से पतले टुकड़े में काट दूंगी। बस आप फ्रेंच फ्राइज से अंतर नहीं बता सकते, लेकिन गाजर की स्टिक अधिक उपयोगी है। यह लो सूजी, इसे खा कर देखो। ओ, नहीं दादी, मैं नहीं चाहती। अपनी गाजर तुम खुद ही खाओ। हाँ, तुम्हें तो पता ही है मुझे ये बहुत पसंद है। यह आलू फ्रेंच फ्राइज की तरह नहीं दिख रहा है, तो मैं इसे कैसे पकाऊं? मैं इसे पहले साफ करने की कोशिश करूंगी। बस मैं छिलके को सभी तरफ से काट दूंगी। अब मैं स्लाइसर लूंगी। इसके साथ मैं आलू को टुकड़ों में भी काट सकती हूँ। यह हुई ना बात, मुझे कितने सुंदर स्टिक्स मिले हैं। अब उन्हें तला जाना चाहिए। इसे डीप फ्राई करने में बहुत सारा तेल लगेगा। चलो इसमें तेल डालते हैं और आग तेज करते हैं। ओह, तेल जल रहा है, बचाओ। तुम क्यों चिल्ला रही हो सूजी? वो क्या पका रही है?
मैं चख कर देखती हूँ। क्या यह सिर्फ तेल है? ओह कितनी अजीब है। वह इसलिए इतना उपद्रव कर रही थी? दादी क्या आपको गर्म महसूस नहीं हो रहा है? यह सब कुछ जलने वाला है। सूजी आग को धीमा करो। यहाँ मैं कर्ली आलू बनाऊंगी और मैं इसे एक स्टिक पर लगाऊंगी। यहाँ तक कि सबसे साधारण डिश को भी अच्छे से प्रेजेंट करने के कारण सुपर बनाया जा सकता है। बस हो गया। मैं एक स्टिक को इसमें से लगा दूंगी। कितना सुंदर है। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं आलू फेंक दूंगी। दादी मुझे बचाओ। सूजी चिंता मत करो, बेहतर होगा तुम गाजर खाओ। ओ नहीं, ठीक है दादी इसे खुद खाएगी। पता नहीं वो फ्राई हुआ या नहीं। लगता है हो गया है। वाह मैंने कर लिया। मैं सब कुछ एक पैकेट में डालूंगी और केचप डालूंगी। एमा को ये जरूर पसंद आएगा। ओह तुम बच्चे भी ना, मेरी गाजर की स्टिक खाना बेहतर होगा। केवल विटामिन, स्वादिष्ट और हेल्दी। मुझे लगता है कि तेल गर्म है। अब इसमें आलू तल सकते हैं। मैं इसे एक बढ़िया फ्रेंच ट्रफल सॉस के साथ परोसूंगी। यहाँ सब कुछ तैयार है। एमा तुम इसे अभी चख सकती हो। मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? वाह कितना अलग सा आलू है, मैंने पहले कभी ये नहीं खाया है। मैं इसमें सॉस मिलाऊंगी। यह स्वादिष्ट लग रहा है। यह बहुत क्रंची और जूसी है। बहुत स्वादिष्ट, मुझे ये आलू पसंद है। और यह क्या है? क्या अजीब नारंगी रंग है? यह फ्रेंच फ्राइज जैसा दिख रहा है और स्वाद। ओह छी, ये गाजर है। मुझे गाजर से नफरत है, मैं इसे नहीं खाऊंगी। वाह क्या कोई मैकडॉनल्ड से आलू लाया था? केचप के साथ आलू सही कॉम्बिनेशन है। मैं सीधे पैक में थोड़ा डालूंगी और इसे मिलाऊंगी। अब इसे खाया जा सकता है। स्वादिष्ट, बहुत अच्छा। हम मैकडॉनल्ड्स फ्राइज से अंतर नहीं बता सकते। मैं इसे चुनती हूँ। अरे ये मेरा आलू है, मैं जीत गई। मैं कितनी अच्छी हूँ, तुम हार गए और मैं जीत गई। कहाँ से शुरू करूँ? हम पिज्जा से शुरू करेंगे। मुझे आशा है कि सब इसे बनाना जानते होंगे। अच्छी चॉइस है। मैं लंबे समय से एक इटालियन रेस्टोरेंट में काम कर रही हूँ, इसलिए मैं आसानी से एक बढ़िया पिज्जा बना सकती हूँ। सबसे जरूरी है अच्छी तरह से आटा गूंदना। चलो मैं दिखाती हूँ कि इसे कैसे किया जाता है। इस तरह से अच्छे से मिलाना है, इस तरह से। देखो ये अच्छा से हो गया है। आटा पिज्जा का पूरा स्वाद सॉस में होता है। ओह बेशक चीज के बारे में नहीं भूलना चाहिए। हाँ ये अच्छा है। मैं थोड़ी थक रही हूँ। ये इतना मुश्किल क्यों है? मुझे बस पेपरोनी और चीज को काटना होगा। और तड़ाम पिज्जा तैयार है। मैं दादी से सहमत हूँ, सॉस बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर मैं खुद सॉस बनाऊं तो ये ज्यादा स्वादिष्ट होगा। जरा देखो मेरा टमाटर का पेस्ट कितना स्वादिष्ट लग रहा है। हाँ अब मैं समझ गई हूँ कि सॉस कैसे बनाते हैं। बस एक ब्लेंडर में टमाटर पीसना है। ओह मैं ढक्कन के बारे में पूरी तरह से भूल गई, लेकिन सॉस खुद ही पिज्जा पर लग गया। मेरा लगभग सब कुछ तैयार है। मेरा भी। अब केवल इसे बेक करना है।
हमें पिज्जा की सजावट को नहीं भूलना चाहिए। उसके बाद मुझे भी केवल इसे बेक करना है। तड़ाम, सब कुछ तैयार है। अब बस मेरा आखिरी टच। देखो एक असली पिज्जा कैसा दिखता है और कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मुझे खुद से इसकी उम्मीद नहीं थी। केट, इसे चखने का समय आ गया है। आखिरकार मैं स्वादिष्ट खाना खा सकती हूँ। पर यह क्या है? पेपरोनी के इतने बड़े टुकड़े क्यों है? नहीं, मैं इस भयानक चीज को नहीं खाऊंगी। यह खराब लग रहा है। वाह, लेकिन यह दोनों पिज्जा बहुत अच्छे लग रहे हैं। जरा देखो यह चीज कितना स्ट्रेची है। बहुत स्वादिष्ट, बहुत ही ज्यादा अच्छा। चलो अब यह लास्ट टुकड़ा। यह भी बहुत अच्छा है, एकदम घर जैसा स्वाद। मुझे नहीं पता कौन सा चुनूं। मैं मजाक कर रही हूँ। शेफ बेटी का पिज्जा सबसे अच्छा था। हाँ, मुझे कोई शक नहीं था। मैंने कहा था कि मैं ही जीतूंगी। इस बार हमें क्या बनाना है? मुझे स्वादिष्ट पैनकेक्स चाहिए, सबसे अच्छा डिजर्ट। यह आसान होगा बेटी, देखो और सीखो। मैं सीखूं? देखोगी और असली मास्टर से तो तुम सीखोगी। नहीं तो मुझे सिखाओगी? क्या तुम मेरे बारे में पूरी तरह से भूल गए हो? मुझे फिर से छोड़ दिया? तो चलो देखिए कि कौन सबसे अच्छा है। मैं दूध को ज्यादा सावधानी से संभालती हूँ। यह कुछ भी नहीं है, मैं सब कर सकती हूँ। ओह माय गॉड, मैं भी ऐसा कर सकती हूँ क्या? ओप्स, यह काम नहीं किया। देखो अंडे कैसे तोड़ते हैं। मैं इसे एक असली निंजा की तरह कर रही हूँ। तो क्या, मैं तो एक असली पहलवान की तरह हूँ। अरे नहीं, मैं खुद को ऐसे नहीं मारने वाली हूँ। कटोरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। उफ्स, मुझे लगता है तुमने मैदा बहुत ज्यादा डाल दिया है। वैसे भी मेरे पैनकेक्स बेहतर होने वाले हैं। मैं इसे एक स्पेशल ब्लेंडर से मिलाने जा रही हूँ। उसमें क्या बड़ी बात है, तुम्हारे पास हाथ क्यों है फिर? ओह, मुझे भी मैदा चाहिए। ओह, मिस हो गया। और मैं अपने हाथ से यह मिलाऊंगी। हाँ, सच में हाथ से मिलाना इतना आसान है। और मेरा लगभग सब कुछ तैयार है। बोरिंग, तुम्हारे पैनकेक्स का रंग बेकार है। पैनकेक्स को रंगीन और मजेदार क्यों नहीं बनाया जाए? जैसे कि हगी वगी पैनकेक्स। जरा देखो। पहले मैं आंख और मुंह से बनाऊंगी, फिर होंठ और अब यह ब्लू फजी चेहरा। ओह, यह कितना डरावना है। मुझे सच में मेरे पैनकेक्स ज्यादा पसंद है। केवल मैपल सिरप और थोड़ा बटर डालना बचा है। देखो कितना बढ़िया लग रहा है। मैं बहुत थक गई हूँ। वाह, उन दोनों के तो तैयार है। और बेटी के पैनकेक्स तो बहुत सुंदर लग रहे हैं। मुझे जल्दी करना होगा। जैसा दिख रहा है वो मायने नहीं रखता। केट, मेरी बात मानो, मेरा पैनकेक सबसे स्वादिष्ट है।
ठीक है, अब इसे चखने का समय है। जैस, यह क्या है? यह बहुत गंदा लग रहा है, तुमने वो जला दिया है। नहीं, मैं यह नहीं खाऊंगी। लेकिन यह बीच के पैनकेक्स बहुत अच्छे लग रहे हैं और स्वादिष्ट भी। ओह, कितना स्वादिष्ट है। मैंने ऐसे पैनकेक्स का सपना देखा है। और यह यहाँ क्या है? इतने अनोखे आइडियाज के लिए तो पॉइंट मिलना चाहिए। अब इसे चख कर देखती हूँ। इन पैनकेक्स का भी स्वाद कमाल का है, पर मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि जीतना किसे चाहिए। चलो, इस बार दादी जीतती है। दादी, आपने बहुत स्वादिष्ट पैनकेक्स बनाए हैं। ए, मैंने तुमसे कहा था कि पैनकेक्स बनाने की मास्टर मैं हूँ। इस बार मुझे एक बड़ा और स्वादिष्ट सैंडविच चाहिए। ओ, सैंडविच? मैं तुम्हारे लिए सैंडविच बनाती हूँ। मुख्य बात है बहुत सारी सब्जियाँ डालना। इस तरह से ये ज्यादा पौष्टिक रहेगा। मैं सबसे पहले थोड़े प्याज काटूंगी, फिर टमाटर। ओ, टोस्ट तैयार है। इसका मतलब है कि तुम्हारा सैंडविच लगभग तैयार है। मेरी राय में ये बहुत अच्छा लग रहा है। देखो मेरे पौष्टिक सैंडविच को। सब्जियाँ? उसकी क्या जरूरत है, वो बोरिंग होगा। मैं चॉकलेट सैंडविच बनाऊंगी और मार्शमेलो के बारे में नहीं भूलना चाहिए। और बेकार सलाद के पत्ते की जगह मीठी जेली का इस्तेमाल कर सकते हैं। और चॉकलेट और मार्शमेलोस तो कभी ज्यादा नहीं होते हैं। मुझे लगता है कि मैंने अब तक का सबसे अच्छा सैंडविच तैयार किया है। एक साधारण सैंडविच तो सच में बहुत बोरिंग है। मैं तुम्हें दिखाने जा रही हूँ कि असल में एक अच्छा सैंडविच क्या होता है। बस जरा इसे देखो। तुमने ऐसा सैंडविच तो पहले कभी नहीं देखा होगा। ये सुपर सैंडविच होगा। इस तरह से इसको सजाना है। कैट को यह पक्का बहुत पसंद आएगा। वाह, सब कुछ बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मुझे यह भी नहीं पता कि कौन सा चुनूं। मैं शुरू करूंगी शायद साधारण वाले के साथ। बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन इतने सारे प्याज क्यों है? मुझे प्याज बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन यह सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। ओह, उसकी परवाह किसे है। ओह, मुझे श्रिम्प पसंद नहीं है। और ऑलिव्स भी? और प्याज का एक पूरा गुच्छा फिर से है। उफ, सारी चीजें जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। छी, इस सब में से मैं केवल हैम और चीज खाऊंगी। पर अगर सिर्फ ऐसी खाते हैं तो ये सैंडविच बहुत बोरिंग होगा। अच्छा नहीं है। ओह नहीं, ठीक है जैस, हो सकता है तुम जीत जाओ। जैस, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे चॉकलेट पसंद है? ये कितना स्वादिष्ट है। जैस, बधाई हो, तुम इस बार जीत गई। आखिरकार, ये।
पता नहीं हमें क्या खाना बनाना होगा। मुझे फ्रेंच फ्राइज चाहिए। फ्राइज? हाँ, यह आसान है। फ्राइज। खैर कोई बात नहीं, मैं कर सकती हूँ। ठीक है, यह इजी है। चलो। ओह। चलो, निकलो। आलू, बेकार। कितने जोर से चोट लगी। तुम इसे ठीक से करो, नहीं तो मैं तुम्हें दिखाऊंगी। यह सही नहीं है। यह मेरी नहीं, दादी की है। सच कह रही हूँ। हाँ, तुम मेरी प्यारी पोती। अब हम सब कुछ जल्दी से काट लेंगे, इस तरह से। सब एक जगह रख लेते हैं, यहाँ पर, और थोड़ा सा तेल। और सीजनिंग को नहीं भूलना है। हमें बस इसमें थोड़ा मसाला डालना है। नहीं, यह काफी नहीं है। बस अब बस इसे तलने जा रही हूँ मैं, अवन में डालने जा रही हूँ। केवल एक सच्चा प्रोफेशनल जानता है कि आलू के साथ कैसे काम करना है। देखो, बिल्कुल सही स्लाइस। ये कितने सुंदर और चिकने हैं। बस इस तरह से। और अब इसमें थोड़े से सीजनिंग करें। कितनी स्वादिष्ट गंध है। और हम आलू को तलने के लिए अब डाल रहे हैं। ये लगभग हो गया। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। टोस्टर तेज और कुशल। चलो हम सब इसमें डाल देते हैं। और अब हमें बस इंतजार करना है। और ये हो गया, पकड़ लिया। मेरा आलू लगभग तैयार है। और यहाँ मैं हूँ, मेरे आलू भी तैयार है। अब हम सभी आलू को एक प्लेट में रख देते हैं। ओह, कितना बढ़िया लग रहा है ये। और इसके ऊपर थोड़ा सा हर्ब्स छिड़क दे। अद्भुत खुशबू आ रही है। ओह वाह, जरा इधर देखो, यहाँ रहे असली आलू और असली फ्रेंच फ्राइज। और फिनिशिंग टच ये सॉस है। जेस, चक्कर बताओ। वाह, कितने आलू। चलो इससे शुरू करती हूँ। अजीब शेप है। चलो इसे मापे इस तरह से। खैर, इसे खा लेती हूँ। वाह, कितना स्वादिष्ट है। बहुत अच्छा। अब यह। बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कि मैं इसे फिर से खाऊंगी। वाह, बहुत अच्छा। और अब, ओह, यह कितना सुंदर दिख रहा है। कितना गोल्डन फ्राइड। चलो इसे सॉस में डुबोए। यह बहुत स्वादिष्ट है। वाह, ओ वाह, लाजवाब। मुझे बहुत पसंद आया। मैं इस फ्राइज को चुनती हूँ। वाह, कितना बढ़िया है यह। मेरे आलू जीत गए। वैसे मुझे यह पता था। मन में जल रहे हो लूजर्स। और अब मुझे फ्राइड एग्स चाहिए। ओके, बढ़िया। ओह, आसान है। अरे नहीं, ओ नहीं, ये क्रैश हो गया। ओह, मैं जल्दी से इन छिलकों को हटा देती हूँ। आह, कितना गर्म है। ठीक है, मैंने सब हटा दिए। और अब मैं इसमें थोड़ा नमक डालती हूँ। अरे नहीं, उफ, क्या बैड लक है। ओह, कितना भयानक, बेकार नमक। अब उसे, अरे नहीं, अब ये जल रहा है। चलो उसे ढक देते हैं, इस तरह से। अब यह बेहतर है। केट, तुम्हें आराम से अंडे को फेंटना था। हाँ, अब अंडे को फेंट लिया, फिर दूध डाला। बढ़िया, ये अच्छा है। अरे, मेरे हाथ को क्या हो गया।
ओह, लाओ मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। मैं तो बस मजाक कर रही थी, तुम लोग इतने सीरियस क्यों हो? बस अब मैं इसमें नमक डालती हूँ और इसे एक फ्राइंग पैन में सब कुछ डालती हूँ, इस तरह से। इसे पकड़ो बच्चे। हाँ, देखो हमारा फेमस शेफ क्या कर रहा है। सबसे पहले हम थोड़ा पानी डालते हैं। हमें प्लास्टिक बैग की जरूरत होगी, इस तरह। अब इसमें अंडे को तोड़ना है, हाँ इस तरह से, और इसे बंद करके इसे पानी में डालते हैं और थोड़ा इंतजार करना है। कितना अच्छा लग रहा है। ओ, समय हो गया है, अब अंडा तैयार हो गया होगा। इसे निकालते हैं और इसे इस तरह से इसे प्लेट पर रख दिया और ऊपर से इस पर नमक छिड़कना है। बहुत अच्छा। ओह ओह, और मैं अपनी डिश पर थोड़ा हर्ब्स छिड़कूंगी और यहाँ ये टमाटर। वाह, ये सुपर स्वादिष्ट लग रहा है दादी। और तुम्हें क्या हुआ बेबी? मुझे? ओ, मैं पूरी तरह से भूल गई। अरे नहीं, कितना भयानक, कितना डरावना, यह क्या है? मैंने कभी इसे बुरा कुछ नहीं देखा है। हम तैयार है, इसे खाकर बता। चलो देखते हैं यहाँ क्या है। ओ, कुछ बेकार सा। वाह, यह अच्छा नहीं लग रहा, मैं इसे नहीं चखूंगी। और यह? ओ, ये थोड़ा अलग सा है। क्या ये? छी, मुझे ये पसंद नहीं है। क्या है? यो, नहीं, ये मेरे लिए नहीं है। तो और यहाँ हमारे पास क्या है? ये तो बहुत अच्छा दिख रहा है और इससे बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है और ये बहुत स्वादिष्ट भी है। यार, मैं इसे चुनती हूँ, मेरी डिश। क्या सच में? ओ वाह, मैं जीत गई, मैं जीत गई। ओ, मेरी कमर। ओ, अब मुझे चाहिए मिल्क शेक। मिल्क शेक, फिर मिल्क शेक से आसान क्या हो सकता है? यह बदसूरत ग्लास नहीं, यह सही साइज का है। ओ, हरिबो बेयर। बस इसे इस तरह से इसमें डालते हैं और इसमें थोड़ा सा चिप्स और इसमें थोड़ा कोला मिलाते हैं। मैं खुद इसे पीने का इंतजार नहीं कर सकती। वाव। अब हम सब कुछ मिलाने जा रहे हैं। हाँ, कितना बढ़िया। दूध डाला और इसमें थोड़ा सा चॉकलेट बार। हर्षी, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत स्वादिष्ट है। और अब इस दूध को अच्छे से मिलाते रहना है जब तक कि चॉकलेट पिघल ना जाए। स्वाद अच्छा है। चलो इसे अच्छे से एक कप में डाल लेते हैं। और अब इसमें थोड़ा मार्शमेलो डालूंगी। मुझे पता है कि मेरी बच्ची को मार्शमेलो बहुत पसंद है। बस सजावट के लिए एक सुंदर स्ट्रॉ। देखो मैंने कितनी खूबसूरती से किया है। नहीं, ये मेरे लिए नहीं है। ग्लास में सिरप डाला, ऐसे अच्छे से। और इसमें स्वादिष्ट आइसक्रीम डालती हूँ। हाँ, और फिर सबका फेवरेट स्वादिष्ट न्यूटेला। और अब यह स्वादिष्ट दूध। और अब इन सबको कवर करके अच्छे से मिला देते हैं। तैयार हो गया। और अब इसे एक सुंदर से ग्लास में निकाल लेते हैं और इसे बढ़िया वनीला व्हिपिंग से सजा देते हैं। और ओरियो, और फिर इसके ऊपर से चॉकलेट चिप्स और चॉकलेट बॉल्स। बिल्कुल सही। ओ, मैं खुद भी इसे खाना पसंद करूंगी। हम तैयार है। वाह, कितनी स्वादिष्ट चीजें। यह कुछ अजीब है, चलो देखते हैं यह क्या है। छी, क्या गड़बड़ है। ओह, कितना प्यारा, कितना स्वादिष्ट मार्शमेलो। ओह, और यह कितना स्वादिष्ट है। वाह, यह कितना खूबसूरत लग रहा है और स्वाद बस कमाल का है। और देखो यह ओरियो, ओ बस कमाल का।
वाह, बहुत स्वादिष्ट। मैं इस मिल्कशेक को विनर घोषित करती हूँ। मैं ये जानती थी, ये सही नहीं है। मैंने कितनी कोशिश की थी। हम पहले दौर में क्या करने वाले हैं? यह बहुत आसान है। मुझे भूख लगी है, इसलिए मुझे एक मीठा सैंडविच चाहिए। यह आसान है, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। एक बच्चा भी इसे संभाल सकता है। वैसे बच्चों के बारे में कहें तो हम में से प्रत्येक को बचपन से मिठाई पसंद है, तो सूजी का मीठा सैंडविच बनाने का आइडिया अच्छा है, जैसे कि न्यूटेला के साथ सैंडविच। और मैं ये टोस्टर लूंगी। ओह, इसे ठीक से करना होगा, मैं इस पेस्ट की वजह से पूरी गंदी हो गई हूँ। चलो टोस्टर, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। दादी, तुम क्या कर रही हो? अपने पुराने तरीके से खाना बना रही हो। यहाँ टोस्टर है, मुझे नहीं चाहिए। कोई भी ब्रेड को ऐसे टोस्ट नहीं करेगा जैसा मैं कर रही हूँ। अब इस पर पीनट बटर लगाने का समय है। और दादी का बनाया हुआ जैम भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैं इसे ठीक से लगा देती हूँ। कितना प्यारा! और यहाँ पर जलने की कैसी बदबू आ रही है। आ, सूजी, वो तुम्हारा रोबोट है। यह रोबोट नहीं है, ये टोस्टर है। पता नहीं इसमें क्या गड़बड़ी है, लेकिन मुझे पता है इसे सॉकेट से बाहर करना होगा। अरे नहीं, लगता है मेरा टोस्ट बनाने का आइडिया फेल हो गया। तुम क्या कर रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि वास्तव में अच्छा टोस्ट कैसे बनाया जाता है? इसके लिए तुम्हें थोड़ा कसा हुआ चीज और चमकीले रंग चाहिए। मैंने सब अच्छे से ग्रेट कर दिया और इसमें रंग मिलाता हूँ। ताड़ाम, देखो यह कितना सुंदर है। लेकिन इतना ही नहीं है, इसे टोस्ट करना होगा। इसे फ्राइंग पैन में करना उबाऊ है और उतना अच्छा नहीं है। एक और जरूरी बात, इसे आग पर सेकना है। अब मैं जाता हूँ और इसे टोस्ट करके तुरंत वापस आता हूँ। आग पर सिका हुआ ब्रेड बहुत स्वादिष्ट होता है। हो गया। जेस, ये एक विजेता चुनने का समय है। ओ हाँ, शुरुआत करते हैं पहले सैंडविच से। यह बाकी की तुलना में अच्छा दिख रहा है, शायद स्वाद भी अच्छा हो। अरे वाह, कितना बढ़िया से स्ट्रेच कर रहा है ये। बहुत स्वादिष्ट। चलो देखें कि आगे क्या है। और यह क्या है? कितना बेकार। खैर, मैं रिस्क लेती हूँ और इसे चक्कर देखती हूँ। कितना खराब, इसका स्वाद कोयले की तरह है। यह सैंडविच बहुत अधिक स्वादिष्ट लग रहा है और इसे बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। ओ हाँ, ये बहुत स्वादिष्ट है। दादी, तुम जीत गई। धन्यवाद जेस, मुझे पता था कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। अब मुझे पैनकेक्स चाहिए, स्वादिष्ट पैनकेक्स। ओ, पैनकेक्स, मैं इसे बनाने में माहिर हूँ। मुझे हराने की उम्मीद भी मत करो। कोई भी मुझसे बेहतर पैनकेक्स नहीं बना सकता है। अब इसका बैटर बनाने का समय है। दादी, क्या तुम्हें लगता है कि मैं बैटर नहीं बना सकती? एकदम आसानी से बना लूंगी। हमें बस एक गहरी प्लेट में सब कुछ डालने की जरूरत है। और जैसा कि मैंने कहा, यह देखो। यह अच्छा दिख रहा है, बढ़िया। हाँ, इतना परेशान होने की जरूरत क्या है? मेरे पास एक मिक्सर है, इसकी मदद से मैं डो को अच्छी तरह से मिक्स कर सकती हूँ। देखो, बिना परेशानी के सब हो रहा है। ओ, मुझे नहीं पता था कि इतनी तेज है। और अब मैं उसे आटे से कैसे निकालूं? ओह, चलो बेकार डिवाइस। सूजी, तुमने बहुत जल्दी हार मान ली। लेकिन मुझे सिर्फ पैनकेक सेकना है। हाँ, देखो यह कितने अच्छे से तैयार हुआ है।
और अच्छी खुशबू भी आ रही है। मेरे शानदार पैनकेक्स तैयार है, अब इस पर केवल बटर डालना बाकी है। ओह माफ करना, मैंने गलती से तुम्हें गंदा कर दिया। देखो और सीखो कि असली पैनकेक्स कैसा होना चाहिए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि स्वाद के साथ साथ इसे सुंदर भी दिखना चाहिए। अब मैं बैटर से ड्राइंग बनाऊंगा। कोई बता सकता है कि यह क्या है? ताड़ाम! कुछ ही सेकंड में मुझे किशमिशी की कॉपी मिल गई। अब इसे खा सकते हैं। और मेरे पास कुछ तैयार का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, जैसे कि ब्रेड। लेकिन मुझे क्रस्ट भी बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं इसे हटा देती हूँ और अब इस पर क्रीम लगा देती हूँ। यह सभी को पसंद होता है। अब सब तैयार है। जैस, यह वोट करने का समय है। वाह, यह किशमिशी के रूप में एक पैनकेक है। कितना अच्छा दिख रहा है। मैं इसे खा कर देखती हूँ। मुझे तो यह बहुत प्यारा लग रहा है। और यह क्या है? यह साधारण व्हाइट ब्रेड की तरह दिख रहा है। खैर, या नहीं, यह निश्चित रूप से पैनकेक्स नहीं है, लेकिन यह बीच वाले पैनकेक्स स्वादिष्ट लग रहे हैं। क्या खुशबू है! मुझे लगता है कि यह बहुत स्वादिष्ट होगा। अरे वाह, मैंने लंबे समय से कुछ भी स्वादिष्ट नहीं चखा है। दादी, तुम जीत गई। क्या दादी? क्यों? लूजर। इस बार मैं लंच में स्वादिष्ट नूडल्स खाना चाहती हूँ। नूडल्स हम तुम्हारे लिए तैयार करेंगे। दादी और शेफ फिर से एक मुश्किल रास्ते पर जा रहे हैं। मुझे लगता है कि सब कुछ बहुत आसान है। जब तैयार नूडल्स दुकानों में मिल जाते हैं तो इतनी मेहनत की क्या जरूरत है। इसके साथ तैयार सॉस भी मिलते हैं और मसाले भी। इन सबको एक साथ उबलते पानी में डालना है और इंतजार करना है। कितनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। यह ऐसे बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं होगा, लेकिन सॉसेस के साथ स्पैगेटी की बात ही अलग है। स्वादिष्ट और ओरिजिनल। यह इस तरह से प्लेट में बहुत अच्छा दिखेगा और स्वाद भी अच्छा होगा। ओरिजिनल? बोरिंग। रंगीन नूडल्स बनाना वास्तव में ओरिजिनल होगा। इसके लिए मुझे खुद नूडल्स बनाने होंगे, लेकिन मैं जीतने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मेरे पास एक विशेष मशीन भी है। देखो यह कितना अच्छा निकला। अब बस इन्हें पकाना बचा है। और बेशक हमें सॉस को नहीं भूलना चाहिए। जेस, अब तुम टेस्ट कर सकती हो। हाँ, देखो मेरा कितना बढ़िया तैयार हुआ है। ओह, लेकिन परेशान मत हो, टेबल अभी भी साफ है। चलो खा कर देखती हूँ। मैं इसके साथ शुरू करूंगी। मैं ऐसे नूडल्स को कर्ली करती हूँ। एक साधारण नूडल्स की तरह है, मुझे और की उम्मीद थी। लेकिन रंगीन नूडल्स थोड़ा अच्छा लग रहा है। चलो खा कर देखती हूँ। वाह, इसकी तो बात ही अलग है। बस अब तीसरा भाग ही बचा है। ओह वाह, कितना ओरिजिनल आइडिया है, कितना अच्छा। मुझे सॉसेस बहुत पसंद है। नूडल्स की यह प्लेट सबसे स्वादिष्ट है। क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? मैं सबसे बहुत थक गया हूँ। मुझे कुछ मीठा चाहिए था, जैसे कि एक स्वादिष्ट कपकेक। कोई समस्या नहीं, सब तैयार हो जाएगा। कपकेक? इसे कैसे बनाऊं? दादी, क्या तुम मुझे सिखा सकती हो? मेरे पास एक बहुत महंगी मशीन है जो मुझे कपकेक के लिए आटा गूंदने में मदद करेगी। उसके साथ सब कुछ करना बहुत अच्छा होगा और तेज।
अब मैं सारी सामग्री को इसमें डालता हूँ और इसे चालू कर दिया। इससे काम करना कितना आसान है। अब इन सबको एक बर्तन में डालता हूँ और इसमें थोड़ा रंग डालना जरूरी है, चमकीला रंग। अब सब कुछ एक सांचे में डालना है और इसे ओवन में डालना है। अब जीत निश्चित रूप से मेरे पॉकेट में आएगी। नहीं, ऐसा किसी हाल में नहीं होगा। मैं स्वादिष्ट बेरीज के साथ कपकेक बनाऊंगी। ब्लूबेरी और स्ट्रॉबेरी सभी को पसंद होते हैं और मैं इसमें निश्चित रूप से थोड़े चॉकलेट डालूंगी। और इसके तैयार होने तक इंतजार करूंगी। देखो यह कितना अच्छा तैयार हुआ है। ओह वाह, मैं तो ऐसा कभी नहीं कर पाऊंगी। देखो यह कितना अच्छा लग रहा है। और मैं इस पर क्रीम डालूंगी। मुझे कुछ सोचना होगा। बिल्कुल, इन कुकीज का उपयोग क्यों ना करें? इसे तोड़कर कप में डाल देती हूँ और इन पर कारमेल सिरप डाल देती हूँ और इस सबसे एक कपकेक बनाऊंगी। सबको अच्छे से मिला दिया। यह एकदम आसान है। मेरी राय में इतना बुरा नहीं है, है ना? चलो पता करें कि कौन सा स्वादिष्ट है। मैं इन रंगीन वाले से शुरू करूंगी। सुंदर और स्वादिष्ट, वे अंदर से भी रंगीन है। ये एक बड़ा प्लस है। चलो आगे बढ़ते हैं। और इस केक में बहुत अधिक फीलिंग है। कितना बड़ा भी है। ओह, लेकिन ये थोड़ा कड़ा है। और वैसे यह क्या है? कितना बेकार है। मेरी राय में विजेता स्पष्ट है। मुझे चमकदार और स्वादिष्ट कपकेक अधिक पसंद आए। वाह, मैं जानता था कि मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। अब तुम यह लो। वो क्या ड्रॉ कर रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मुझे बर्गर चाहिए। बर्गर? लेकिन ये उतना हेल्दी नहीं होता है। बर्गर ठीक है, मुझे चुनौती स्वीकार है। बर्गर बढ़िया, मैं तैयार हूँ। यह कटलेट ले लिया। बस यह, अब सब जल्दी तैयार हो जाएगा। और टमाटर के बिना कैसा बर्गर। चलो पहले इसे काटता हूँ। ओह, यह उतने अच्छे से कट नहीं रहा है। खैर कोई बात नहीं, चलो एक बन पर टमाटर डालते हैं। और अब थोड़ा चीज। मैं चाकू के बिना करूंगा। बस देखो मैं कितना स्मार्ट हूँ। बढ़िया। मेरा कटलेट जल रहा है। कितनी जलन हो रही है। ग्लव्स पहनना सही रहेगा। चलो अब कटलेट को बन पर रखे। थोड़ा जल गया है पर ठीक है। और अब हमें बन के दूसरे हिस्से को रखना होगा। हाँ बिल्कुल सही। मेरा हाथ। बन, कटलेट? नहीं ऐसे नहीं, मैं इसके बिना करूंगी। यह सेब जिसकी जरूरत मेरी पोती को है। और एक और हेल्दी फल केला। हाँ, और कीवी के बिना कैसे तैयार होगा ये डिश। और स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी। और हम सब कुछ अच्छी तरह से रखेंगे और हमें एक सुपर पौष्टिक फ्रूट बर्गर मिलेगा। ये बहुत अच्छा लग रहा है। अब शेफ खाना पकाना शुरू करती है। मैं अब तक का सबसे अच्छा बर्गर बनाऊंगी। सभी सामग्री जगह पर है। इससे अच्छी खुशबू आ रही है। पहले प्याज, फिर चीज और कटलेट और सैलेड। अब थोड़े और चीज और गाजर। हमें सॉसेस के बारे में भी नहीं भूलना है। हाँ देखो सुपर बर्गर तैयार है। ओ वाह, मेरा बेहतर है। आखिरकार अब मैं सबसे अच्छा बर्गर चुनने जा रही हूँ। यह तो भयानक लग रहा है। ओह डरावना, मैं ये बिल्कुल नहीं खाऊंगी। मैं बस इसे बाहर फेंक दूंगी। चलो भी इस बर्गर को देखें। हाँ यह अच्छा दिख रहा है। चलो इसे खाकर देखते हैं। बुरा नहीं है।
मुझे फ्रूट्स पसंद है लेकिन बर्गर में नहीं। वाह, ये कितना अच्छा बर्गर है और ये बहुत बड़ा भी है। और इसका स्वाद और भी बढ़िया है। यह वाला, मैं इसे चुनती हूँ। मुझे पता था कि मैं ही जीतूंगी। ऐसा कैसे? ओह, मेरे हाथ। अब मुझे चाहिए लेमोनेड। लेमोनेड? ये एकदम आसान है। चलो शुरू हो जा। एक सुंदर ग्लास के बिना इसे कैसे कर सकते हैं? मैं इसे सजाऊंगी। पहले चीनी लेती हूँ एक ग्लास और इसे शहद में डुबोती हूँ। इस तरह से, बिल्कुल सही। ठीक है, अब यह अच्छा दिख रहा है। अब चलो थोड़ा काम करते हैं आइस के साथ। मुझे यह पसंद है, यह कितना रिलैक्सिंग है। फर्स्ट क्लास आइस तैयार है। सावधानी से एक ग्लास में डाले। वह क्या कर रही है? ओह, यह शेफ भी ना, उसे पता भी नहीं है कि लेमोनेड क्या होता है। मैं इसके जूस को पानी में निचोड़ूंगी अच्छे से। हाँ, यह बहुत अच्छा लग रहा है। चलो चेक कर देखती हूँ। ओह, कितना खट्टा है यह। मुझे इसमें तुरंत चीनी डालने की जरूरत है और थोड़ा चीनी खाना भी होगा। हाँ, यह बेहतर है। क्या इतना काफी है? नहीं, शायद थोड़ा और डालना होगा। ओह, मुझे क्या करना चाहिए? मेरे पास एक आइडिया है। हम चॉकलेट को ब्लेंडर में डाल देते हैं और चलो इसमें M&M's भी डाल देते हैं और स्वादिष्ट चॉकलेट बॉल्स और फिर स्वादिष्ट आइसक्रीम और थोड़ा दूध और अब सब कुछ मिला देना है और अब इसे एक ग्लास में निकाल लेना है और फाइनल टच यह स्ट्रॉ है। जरा इसे चखो दादी। प्यारे बच्चे, इसे तुम ही चखो। यहाँ, यह असली नींबू पानी है। क्या यह असली लेमनेड है? ठीक है, फाइनल टच बेरीज। और हमें स्ट्रॉबेरीज के बारे में नहीं भूलना चाहिए। और इसे इसमें डालें और इन सबको अच्छे से मिलाएं। इसमें ब्लूबेरीज भी मिलाना है इस तरह। और मैं इन सबको एक ग्लास में निकाल दूंगी। हाँ, वाह। अब इसमें स्ट्रॉ डाल देती हूँ और ये तैयार हो जाते हैं। देखो कितना सुंदर दिख रहा है। अब इसे चुनो केट। सब कुछ कितना दिलचस्प और रंगीन है। मुझे लगता है मैं इसके साथ शुरू करूंगी। यह कितना सुंदर है और बहुत स्वादिष्ट भी। हाँ, और यहाँ क्या है? चलो इसे चखकर देखती हूँ। ये थोड़ा के बस नींबू और पानी दिख रहा है। नहीं, मैं इसे नहीं पी सकती। नहीं। और यह क्या है? क्या यह लेमनेड है? ठीक है, मैं इसे चखती हूँ। वाह, यह कितना स्वादिष्ट है। मैं इस कॉकटेल को चुनती हूँ। हाँ, मैं जीत गया। हुर्रे! अच्छा किया बेबी। धन्यवाद दादी। वहाँ क्या है? मुझे चिप्स चाहिए। चिप्स? क्या सच में? मुझे पता है क्या करना है। चलो आलू लेते हैं और इसे बढ़िया से छील लेते हैं। बढ़िया, देखो मुझे ऐसा ही चाहिए। मैं बेहतर कर सकती हूँ। देखो और सीखो, इसे ऐसे होना चाहिए। देखो मेरे पास कितने आलू हैं। ओह, खैर, अब मैं सब काम तेजी से करूंगी। अब मैं क्या करूंगा? ठीक है, मैं कुछ कोशिश करता हूँ। पहले आलू को छील लेता हूँ। बढ़िया, ये तैयार है। अच्छा दिख रहा है। अरे तुम मूर्ख हो, देखो मेरे पास कितने आलू हैं। देखो मैं कैसे कर रही हूँ। बढ़िया,
अब मैं जल्दी से कुछ अच्छा तैयार करूंगी। मैं इसे अवन में डालूंगी। ओह, वो कितनी खुश दिख रही है। पर इससे कुछ नहीं होगा, जीत अभी भी मेरी होगी। चलो काम शुरू करते हैं। ब्लेंडर में आलू डालते हैं, फिर इसमें थोड़ा दूध और इसे अच्छे से मिलाते हैं। यह सांचे कमाल के हैं। और अब मैं एवोकाडो डिप तैयार करूंगी। हाँ, जब तक आलू तैयार हो रहे हैं, मैं एवोकाडो डिप तैयार करती हूँ। बस इसे साफ करना है, बीज बाहर निकालना है और इसके पल्प को यूज करना है। अब इन सबको मैं मिक्सर में डाल देती हूँ, थोड़ा नमक मिलाती हूँ और थोड़ी सी मिर्च, और अब इसे बाहर निकालते हैं। वाह, क्या सुगंध है। और अब इसे बाहर निकाल देते हैं और हमारा गुआकामोली सॉस तैयार है। वाह, क्या सुगंध है। मेरा परफेक्ट चिप्स एकदम तैयार है। अब केवल इन प्याज को डालने की जरूरत है और मैं जीत जाऊंगी। ये बहुत मजेदार है। ओह, मैंने सोचा कि मेरे आलू के साथ क्या करना है। अब बस थोड़ा इंतजार करना। मैं इसे टोस्टर में डाल दिया हूँ और इंतजार करता हूँ। वाह दादी, देखो मैं कितना जीनियस हूँ। आ, ये जल रहा है। अब मैं क्या करूँ। ओ नहीं, वो पूरी तरह से कोयला हो गया है। फिर भी मुझे कुछ करना होगा। ये आलू के शेप कैसे लग रहे हैं। मेरे आलू के चिप्स तैयार है और बीच में यह सॉस। ओह, उसने फिर कुछ मुश्किल काम किया है। केट, इसे चखो। चलो देखते हैं यहाँ क्या है। अच्छा लग रहा है। और यहाँ यह भी प्यारा है। यह काले भयानक चीज क्या है। काले डरावने फायर ब्रांड। ओह, यह कितना घिनौना है। मैं इसे नहीं खाना चाहती। चलो इस आलू को चखती हूँ। स्वादिष्ट, बहुत अच्छा, मुझे ये पसंद आया। और यहाँ क्या है। थोड़ा अलग सा लग रहा है ये। वाह, कितना स्वादिष्ट, बहुत दिलचस्प। वाह, मैं इसे चुनती हूँ। हाँ, जैसा मैंने कहा था, मैं जीत गई। अब मुझे वास्तव में पॉपकॉर्न चाहिए। आसान है, मैं ये बना सकती हूँ। मैं तुम्हें खाना बनाना दिखाऊंगा दादी। मेरे अपने सीक्रेट्स हैं। ग्रेन्स को फॉइल में डालना आवश्यक है। बॉस को फर्क नहीं पड़ता। अब तेल डालते हैं, बेलिसिमो और डाई, ताकि हमारा पॉपकॉर्न अविश्वसनीय रूप से सुंदर हो। यह गर्मी सेट करने का समय है। मेरा पॉपकॉर्न सबसे रंगीन और स्वादिष्ट होगा। ओह, ये कैसे फटता है, हमें यही चाहिए। चलो देखते हैं क्या हुआ। बिल्कुल सही, यह कितना सुंदर रंग है। मैं सबसे अच्छा शेफ हूँ दादी, इसे स्वीकार करो। शेफ नहीं बल्कि बेवकूफ। एक अच्छे डिश की कुंजी परंपरा है और मैं परंपराओं की एक्सपर्ट हूँ। मैंने ग्रेन्स को फ्राइंग पैन में डाल दिया। अब मैं तेल डालूंगी। मैं मिठास के लिए कुछ चीनी मिलाऊंगी और अब हम इंतजार करते हैं। यह काम किया, बिल्कुल सही। यह कितनी खूबसूरती से फटता है, मुझे बहुत मजा आ रहा है। क्या यह सच्ची में काम किया, अविश्वसनीय। ठीक है दादी, मैं तुम्हें साबित करूंगा कि मैं बेहतर हूँ। मार्शमेलो इसमें मेरी मदद करेंगे। मैं उन्हें बटर के साथ सॉस पैन में डालूंगा और इसे गर्म करूंगा। उन्हें पिघलने दो और चिपचिपा होने जाने दो। मैं उनमें पॉपकॉर्न मिलाऊंगा और सब कुछ अच्छी तरह मिलाऊंगा। अब मेरा परफेक्ट डिश और भी परफेक्ट हो गया है। बस देखो कितना स्ट्रेच हो रहा है, यह आश्चर्यजनक है। इसका आनंद न लेना असंभव है। बेलिसिमो, तो मुझे इंद्रधनुष पॉपकॉर्न बॉल्स मिले हैं। क्या सुंदरता है। और यह क्या है, यह घिनौना है। क्या तुम अपनी डिश की बात कर रहे हो। मैं सहमत हूँ, मेरे पास परफेक्ट डिश है। वे क्या कर रहे हैं। हम सब कुछ आसान बना सकते हैं। हम स्टोव पर पॉपकॉर्न का एक बैग रखते हैं, इसे कसकर दबाएं और रुको। मैं कितनी अच्छी हूँ। एक मिनट रुको, वह क्या कर रही है। देखो यहाँ, देखो, मुझे लगता है कि यह जलने का बदबू आ रहा है। ओह, यह जल रहा है। मुझे क्या करना चाहिए। यह पॉपकॉर्न बहुत बड़ा हो रहा है। ओह, यह सही नहीं है। इतना पॉपकॉर्न क्यों। क्या मैं जिंदा हूँ। क्या मैं सच्ची में जिंदा हूँ। मेरा यह मतलब नहीं था। मैं इसे अब साफ कर दूंगी। और यह, तुम्हें परेशान करने के लिए माफी चाहती हूँ। जैस, यह लो, मैंने कोशिश की।
मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? वाह, इतना पॉपकॉर्न, यम्मी। और यह क्या है? क्या यह सब इतना है? इतना कम? ठीक है, मैं खाती हूँ। कितना खराब, ये भयानक है। और हमारे पास यहाँ क्या है? वाह, बॉल्स। उन्हें फेंका जा सकता है, उन्हें खींचा जा सकता है। वाह, बहुत अच्छा। ये स्वाद, रंग और आकार में एकदम सही है। बेशक वे जीते, कौन शक करेगा। धन्यवाद। क्या तुम समझती हो दादी?